हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड. इट्स अ डेवास्टेटिंग टाइम गोइंग ऑन फ्रॉम फ्यू मंथ्स, बट वी कांट डू एनीथिंग बिफोर नेचर. समवेयर वी आर ऑल्सो फॉल्टी, बट नथिंग कैन बी डन. We have to take precautions and all. So friends, in this video I would like to talk and discuss the questions, some previous year in English literature, and I'm definitely assuring you that these question is going to be very helpful for you. These are multiple choice questions. Okay, so now we are going to start with, because the exams are coming and अभी तक कुछ भी श्योर नहीं है कि ये नीट के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, but लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है. It's a big risk, but still arrangement हो रही है education minister की ओर से. Let's start with the questions. Okay, so my first question is, which among the following group of writers is labeled as university wits? Okay, we know there are two universities under which some university wits are categorized, like Oxford University and Cambridge University, isn't it? So there are six university wits in our English literature. So the answer will be D, Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash. They come under the Cambridge University. Cambridge University के अंतर्गत आते हैं. Okay, so next question is, which cultural analyst has combined the study of different dimensions of youth culture with commentary on development in cultural theory and politics? So what will be the answer? मतलब इन्होंने analyze किया है cultural उन्होंने एनालाइज किया है. हु इज़ दैट पर्सन, हु इज़ दैट, यू नो, विच विल बी द आंसर? ए, एंजेला मैकरॉबी. सो मैं आपको बताना चाहूँगी एंजेला मैकरॉबी के बारे में. शी इज़ द प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन इन गोल्डस्मिथ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी of London, ठीक है. And she is a British cultural theorist, feminist and commentator. Okay, fine. Next, going to the next question. Give below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. दो टाइप के सेंटेंसेस दे रखे होंगे, assertion and reason, ठीक है. कभी कभी they are interrelated, कभी sometimes they are not interrelated, but they are true इन themselves, ठीक है. और कभी कभी दे आर बोथ आर रॉन्ग और वन इज़ राइट एंड वन इज़ रॉन्ग. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख ही रहे हैं आप. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. असर्शन पढ़ते हैं, असर्शन वाला स्टेटमेंट. ओनली एक्चुअल रिसर्च डेवलप्स रिसर्च स्किल. रीज़न क्या दिया है? इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रीट, वेयर एज नॉलेज कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस. तो यहाँ पे बोथ the sentences are true, but B will be the answer. B will be the correct answer. Both A and R are true and is not correct explanation for A of A. तो A के लिए जो reason दिया गया है यहाँ पे इस sentence statement में वो सही नहीं है, but they are true, both the sentences. Next question, which of the following is a collaborative work of novelist? They are Anglo-American poets, novel author. Okay,
इनका वर्क है जो इन्होंने एक साथ कोलैबोरेट करके किया है, ये इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा वर्क है. वो कौन सा है? द आंसर इज सी, द एसेंट ऑफ F6. ठीक है, तो ये कब पब्लिश हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी. ये कब पब्लिश हुआ है? 1936 में पब्लिश हुआ है, और ये इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ टू एक्ट्स. ठीक है, दो एक्ट्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड ऑथर्ड ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. ये वर्क किसने, हु इज़ ऑथर ऑफ दिस वर्क, कौन है ये, इनका लेखक कौन है, रोमांटिक पीरियड के हैं. सो इट इज सी, थॉमस डी क्विंसी. ठीक है, सो थॉमस डी क्विंसी इज द करेक्ट आंसर. तो इनके बारे में ही इज़ एन इंग्लिश असिस्ट. ठीक है, और इनका ये वर्क पब्लिश हुआ है 1827 में इन ब्लैकवुड मैगजीन. ठीक है, तो छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन भी मैं दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज डिड चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज द सिडोनिम और पर्सोना, दैट इज इलिया. अपने वर्क में, अपने एसे में चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा इलिया नाम के पर्सोना को यूज़ किया है. ओके, फर्स्ट टाइम. ठीक है, एंड इसके दो वॉल्यूम्स हैं. ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसे एंड इट हैज़ टू वॉल्यूम्स, इट विच इज़ पब्लिश्ड इन 18, फर्स्ट इज पब्लिश्ड इन 1823 एंड सेकेंड वन इन 1833. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव बिलो अगेन वी हैव गॉट द असर्शन एंड रीज़न. मैं सिर्फ असर्शन और रीज़न पढ़ूंगी, ठीक है, फुल लेंथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है. सो मैनी मॉडर्न ब्रिटिश राइटर्स इन्फ्यूज्ड देयर वर्क्स विद एन एंट्रेंस सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिजिलेशमेंट, डिज इल्यूजमेंट एंड डिस्पायर. द रीज़न क्या दिया है? द टोटली डिफरेंट रीज़न इज द वेस्ट लाइफ लैंड सॉरी द वेस्ट लैंड एंड्स इन फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन्स. ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट बट आर नॉट रिलेटेड. रीजन इज नॉट एट ऑल करेक्ट, ओके, फॉर असर्शन. सो द ऑप्शन विल बी बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड आफ्टर 1947 के बाद इनमें से कौन से दो वर्क पब्लिश हुए थे? यहाँ पे ऑप्शन में तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही चूज़ करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूँगी यहाँ पे दो वर्क कौन से है? लिखा दो है बट ऑप्शन में एक एक ही दिया है, बट ऑप्शन में ही आंसर है दो. ठीक है, सो वर्क विल बी बी, संपत, ए प्रिंटर ऑफ माल. क्योंकि ये पब्लिश कब हुआ? 1949 में. ठीक है, और द बिग हार्ट एंड ऑब्वियसली वी नो द ऑथर इज आर के नारायण. सारे ही ठीक है, फर्स्ट टू इज ऑफ आर के नारायण, द डार्क रूम और संपत आर के नारायण का, और सेवन समर्स एंड द बिग हार्ट जो है वो मुल्क राज आनंद का है. ठीक है, तो इनमें से दो ऑप्शन सही होंगे जो कि 1947 के बाद पब्लिश हुए. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन के लिए क्वेश्चन बना रखा है, जैसे कि क्वेश्चन आया था. सो थोड़ा क्वेश्चंस में भी गड़बड़ी होती है. ठीक है, वी कैन हेल्प आउट. तो इसका एक तो ये आंसर होगा और एक द बिग हार्ट ये भी आंसर होगा, क्योंकि ये पब्लिश हुआ था 1980 में. ओके, 1980. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ लॉस्ट जनरेशन, अ टर्म कॉइंड बाय गर्ट्रूड स्टेन इज करेक्ट. सो गर्ट्रूड स्टेन कौन थी एक्चुअली? शी इज़ अ फीमेल अमेरिकन राइटर
नॉवलिस्ट, ओके, फीमेल अमेरिकन नॉवलिस्ट, ठीक है, जिन्होंने ये वर्ड क्वाइंड किया था लॉस्ट जनरेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. तो इनमें से किस ऑब्जर्वेशन पर ये सूट करता है, इट रिलाय ऑन विच ऑप्शन. तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, द अमेरिकन एक्सपायराइट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है. एक्सपायरियट्स का मतलब ये होता है जिनको, मतलब कुछ, मतलब सिटीजन्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, यूरोप में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव गॉट द असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास. वराइटीज़, ठीक है, रीज़न क्या दिया, अ डायलेक्ट डिस्क्राइब्स वेरिएशंस नॉट ओनली एट द फोनोलॉजिकल लेवल बट ऑल्सो एट द लेवल ऑफ एक्स टेक्स्ट एंड सिंटैक्स, ठीक है. तो ये इसमें डायलेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन दिया है दोनों में, किसी का रीज़न नहीं बताया, रीज़न ए के लिए नहीं है. सो अगेन द ऑप्शन विल बी बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो फ्रेंड्स, ऑल फॉर टुडे, आज के लिए सिर्फ इतना ही. मैं कोशिश करूँगी रेगुलर आपको 10-10 क्वेश्चंस देने की, ताकि ये वीडियो भी बोर ना हो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे और कॉमन आते ही हैं, ठीक है. सो बी ट्यून्ड विद मी, ठीक है. कुछ गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, उनको अवॉइड करके आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे और आंसर्स पे ध्यान दीजिएगा. कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से भी मेहनत करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स. प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ये वीडियोस जितना हो सके, शेयर एंड लाइक अगर अच्छा लगा हो तो, बट शेयर ज़रूर कीजिएगा. एटलीस्ट लोगों को आंसर तो मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है. सो आई एम गुड बाय फॉर नाउ. Take a very good care of yourself. Bye-bye.